अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को कितना को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो हम किसी की रिक्वेस्ट पर बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब वो पोटे क्लेज बनाते हैं, मतलब पोट क्लेज, तो उनको वो जो सी होती है वो सख्त हो जाती है, वो सही नहीं बनती। तो आप काइंडली हमें स्मेल भी आती हाँ और स्मेल भी आती है, ठीक है। ये दो जो उनको इशू थे और वो उन्होंने हमारे साथ डिस्कस किए कि आप हमें काइंडली इस तरह की रेसिपी बनाना सीखा जिसमें तो ना तो स्मेल आए इनके अंदर से और ना ही ये हार्ड हों। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो आज ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर देते हैं। और कौन सी टिप्स हैं जिनके ज़रिए ना तो स्मेल आएगी और ना ही सख्त होंगी, ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ना दो प्याज और तेल डाल दिया इसमें, ये मैंने ना पकने के लिए रख देती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये पोटे कलेजी हैं मुर्गी की हैं, ठीक है। तो ये ना मैंने ना अच्छी तरह धो के मतलब साफ़ करके इसमें ना थोड़ा सा नमक डाल के ना एक चम्मच उबाल लिए इसे अच्छी तरह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी एक टिप आपकी स्मेल के हवाले से कि हाँ आपने इसको जब बॉईल करना है तो एक चम्मच जो है वो नमक हाँ का शामिल कर देना है। अच्छा, उसका पानी मैंने निकाल दिया, फिर इसे धो लिए दोबारा से, ओके। धो के साफ बर्तन में रख लिया। ये धनिया हरी मिर्च है, तो ये आधा चम्मच हरी सुरख मिर्च का है, तो आधा चम्मच जीरे का है, एक चम्मच मतलब पौना चम्मच नमक का है, आधा चम्मच हल्दी का है, या दादरी मिर्च है। अब मसाला बनेंगे, उसमें ये मसाले डाल के ये तीनों टमाटर डाल के फिर पकाया। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि जिन्होंने हमारे साथ अपनी जो उनसी प्रॉब्लम थी कुकिंग के हवाले से कि ये हार्ड हो जाती है और स्मेल आती है शेयर की थी, तो हमने सोचा कि चलो आज आपको सिखा देते हैं। तो आप ये हमारी रेसिपी को देखकर हमें अपनी फीडबैक दें कि आपको समझ लग गई, और आप उसको बना के हमें बताएँ कि ये जो दो आपको इशू थे वो ख़त्म हो गए हैं। तो व्यूअर्स, हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। हमने ना तेल डाल के ना पकने के लिए प्याज डाल दिए हल्के हल्के ना कलर देके ना, फिर इसमें ना मतलब ये डाल जाएंगे, फिर इसमें ना पोटे कलेजी टमाटर डाल के ना फिर हम मसाला भून लेंगे, ठीक है। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने कहेंगे ना हमारी वीडियो को पूरा देखना, देखना कि मज़ेदार सी कौन सी रेसिपी जो हम रिक्वेस्ट पर बना रहे हैं, क्योंकि उनके जो दो तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो एक स्मेल के हवाले से, दूसरा कि सख्त हो जाती हैं, वो आज हम आपको दिखा रहे हैं कि वो कैसे बनेगी। और इंशाल्लाह जब आप लोग बनाएंगे तो ना तो स्मेल आएगी हमारी तरीके से बनाई हुई कलेजी में और ना ही वो सख्त होंगी। हाँ जी, ये हमारे प्याज ब्राउन हो गए हैं हल्के हल्के से, मैंने किए ये मैंने इसमें टमाटर तीन टमाटर डाल दिए इसमें, तो अब ये टमाटर डाल के थोड़ा सा भून के ना पानी डाल के ना फिर थोड़े से डाल जाएंगे, फिर मैं ना कलेजी डाल दूँगी। अभी हम लोगों ने इनको अच्छी तरह से भूनने के बाद पानी डाल के पकने के लिए रख दिया, उसके बाद जो सी हमारी कलेजी और जो मसाले वो हम लोग डालेंगे, तो एक साथ ही हम लोग डाल कर फिर इसको भून के फिर रेसिपी को फाइनल करते हैं। हाँ जी, ये मसाला सा हो जाएगा बस, अच्छा सा ना ग्रेवी सी बन जाएगी। दो मिनट भून लिए, अब थोड़ा सा पानी डाल के ना पकने के लिए रख देते, फिर डालते हैं। ये ना मैंने छोटे कलेजी डाल दी। तो व्यूअर्स, आई होप कि जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी और हमसे अपनी जो प्रॉब्लम शेयर की थी कि जो कलेजियाँ हैं वो बनाते तो हार्ड हो जाती है और एक खास किस्म की स्मेल आती है, तो उसके लिए हमने आपको एक जो सी टिप वो दे दी है कि जो स्मेल है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, जो कलेजियाँ आपके सामने बनेंगी बिल्कुल भी हार्ड भी नहीं होंगी और बहुत अच्छी से जो रेसिपी हमारी वो तैयार हो जाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसके अंदर जो सा है प्याज तो उनके अंदर टमाटर लहसुन वगैरह डाल के इसको भून लिया था, फिर गलने के लिए रख दिया। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर जो सी कलेजियाँ वो जो पोटे जो हमारी रेसिपी है उसको हम लोगों ने डाल दिया। उसके बाद इसके अंदर हम लास्ट में स्पाइसेस डाल के इसको भून लेंगे और जो हमारी रेसिपी है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल फाइनल हो जाएगी। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, या कहीं आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समझ नहीं लग रही, कहीं कोई डिफ़िकल्टी है रेसिपीज़ के हवाले से कोई, तो आप हमारे साथ वो शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह कोई रिक्वेस्ट है तो वो भी पूरी की जाएगी, कोई प्रॉब्लम है तो हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम आपको उस हवाले से गाइड कर सकें। ये मैंने मसाले भी डाल दिए, पानी भी खुश्क हो रहा है तकरीबन, इसका खुश्क हो जाएगा और हम लोगों ने स्टेज पर आके जो से स्पाइसिस वो भी ऐड कर दिए हैं, तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप लोग इसे बनाएं और हमें अपनी फीडबैक दें, तो अब बासानी आप लोग बना सकते हैं बिना इसी हिचकिचाहट के इसमें से स्मेल आएगी और ये सही नहीं बनेगी।
वैसे तो ये तैयार है, बस ये घी आ जाए क्योंकि पहले मैंने उबाल ली थी ना, पकी नहीं है ये, तो फिर भी ना 5-10 मिनट ना हम पका लेंगे, दम पे लगा रख देते हैं इसे। और फिर आपको दिखाते हैं ये घी आ गया, ये भुनी गई है, ये देखें घी भी आ गया। अब ना मैं 5 मिनट ना दम पे रख देती हूँ, तो व्यूवर्स आप लोगों ने कहीं जाना वीडियो को पूरा देखना है, उसका फाइनल लुक क्या होगा, हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूवर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी आज की रेसिपी है कलेजी फोटे हम लोगों ने आप लोगों के सामने बनाए हैं, पोर्ट कलेजी की रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है। और जैसा कि हमने आपसे वीडियो के शुरू में ही कहा था कि हमसे किसी ने रिक्वेस्ट की थी, हमसे पूछा था कि वो जो ये रेसिपी को बनाते हैं तो उसमें से स्मेल आती है और जो कलेजी है वो सख्त हो जाती है, तो आज हमने आपको इसकी सारी टिप्स बता दी हैं जिसके ज़रिए जो इसकी स्मेल है, ख़ास किस्म कलेजी की जो स्मेल होती है इसको हीक भी कहते हैं, वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग इसको बनाएं और ट्राई करें और हमें अपनी फीडबैक दें। तो भी मुझे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी। तो ये बहुत नरम है, मतलब बासानी ये टूट रही, कोई सख्त नहीं हुई, तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लग रही है ये दिखने में। तो व्यूअर्स अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को कभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के जो से अच्छी अच्छी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन रेसिपीज़ के आपको मिलते रहें। तो अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।